तो जर्नी स्टार्ट होती है दादर स्टेशन से। फिर मैं वहाँ से सुबह 7 बजे की करजत फास्ट ट्रेन पकड़ता हूँ जो मुझे 30 रुपीज़ में करजत ये स्टेशन पहुँचाएगी। फिर यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ये जो खूबसूरत माथेरान पहाड़ों के नज़ारे दिख रहे थे ना ट्रेन से, फिर अचानक ट्रेन रुक गई, मीन्स यहाँ पे मेरा स्टॉप आ गया था। मैं नेरल स्टेशन में उतर गया गैस, और यहाँ पे भी थोड़ा आगे मार्केट की तरफ बढ़ने के बाद मैं थोड़ा मेंदू वड़े का नाश्ता लिया गैस। और यहाँ पे मैंने लोकल से इंक्वायरी किया तो 100 रुपीज़ नेरल टू माथेरान का फेयर रहता है शेयरिंग टाइम में गैस। तो मैं बस फिर शेयरिंग टैक्सी पकड़ा जो मुझे 100 रुपीज़ में माथेरान पहुँचाएगी, वो भी हिल स्टेशन में गैस। और ये आप जे गेट देख रहे हो ये माथेरान का एंट्री गेट है, और ऐसे गैस जो जू करके ना गैस ये रोड गया ना, और ये रोड है ना गाइस 2010 में डेवलप किया था नेरल माथेरान में बाय MMRED के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से, और एकदम सेफ रोड है, आप जा सकते हो आखिर से। और गाइस आप देख रहे हो इतना मक्खन की तरह रोड था, और आजू बाजू पूरा वाटरफॉल पहाड़े दिख रहे थे ना गाइस, बहुत ही एक्सपेक्टिकल रोड था और कम्फर्टेबल था गाइस। और थोड़ा चलने के बाद ना यहाँ पे हम मेन माथेरान के गेट में आते, टिकट काउंटर भी बोल सकते हैं आप। और यहाँ पे हाँ 50 रुपये एंट्री टिकट काउंटर, इसलिए तो यहाँ पे यही देखो क्राउड कितना है। बट मेरे पास एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे ये पार्किंग लॉट के इधर आइएगा, जैसे पार्किंग लॉट आते हो ना तो आपको ऐसा रास्ता दिखता है, तो बस फिर क्या आपका एंट्री टिकट भी बच जाता है और यहाँ से ही जर्नी स्टार्ट होती है। तो गाइस मैं ये बताना चाहता था, आज का मेरा प्लान था कि मैं पहले पेपफोर्ड एक्सप्लोर करूँगा। मेरा सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन में घर से सोच गया था कि पेपफोर्ड में एक्सप्लोर करूँगा, बट मैं बोला पेपफोर्ड तो मैंने विंटर्स में मैंने किया ही है, मैंने उसको देख लिया, एक्सप्लोर कर लिया था। बट मैं थोड़ा थोड़ा माथेरान को एक्सप्लेन करते, तो आज का मैं आपको माथेरान के 4 to 3 points आपको कवर करूँगा। यहाँ पे आते आते मैंने थोड़ा भाई से बात किया, भाई आपका नाम? मेरा नाम महिपाल सिंह है। आई सॉरी, महिपाल सिंह, ओके ओके। तो इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक पॉइंट में ज़रूर विजिट आइए, ये सीक्रेट पॉइंट है, अननोन पॉइंट है जिसके बारे में मेरे को भी नहीं पता, इनको अभी पता चला है। जनों को भी पता नहीं, इधर जाते हैं तो ऊपर घोड़े वाले घुमा के लेके आ जाते हैं। अच्छा, हार्ड पॉइंट है, इधर से आप आगे जाओगे, ओके, थोड़ा उधर से राइट मारो, राइट मार के जो ब्लॉक बिठा हुआ है ना, हाँ ब्लॉक, वही रास्ता पकड़ के सीधे आगे जाओगे, ओके ओके, तो उधर हार्ड पॉइंट आएगा, उससे वापस थोड़ा नीचे जाओगे, ओके, सिंगल रास्ता जाता है। अच्छा सिंगल, बहुत बड़ा अच्छा दबदबा भी है और देखने का मस्त वाटरफॉल भी है। यस यस, उन्होंने जो वाटरफॉल मेरे को सजेस्ट किया ना, तो लोनावला का फेवरेट काटलडार वाटरफॉल है, वैसा दिख रहा है, ऐसा वो दिखाए ना आपका डिस्प्ले फोन, ये देखो ना क्या खूबसूरत गाइस। तो चलो अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ। सही में जो भाई ने मुझे वाटरफॉल सजेस्ट किया ना वो बहुत बड़ा है गाइस, इसके लिए बोलते हैं गाइस आप ट्रैवल करो, एक्सप्लोर करो, न्यू लोग से बात करो, मिलो उनसे, वो कुछ ना कुछ आपको आइडियाज देते रहते हैं, इसी का तो फायदा है सोलो ट्रैवलिंग का। आप अननोन रहते हो, किस जगह के बारे में नहीं जानते, बट ऐसे न्यू लोग से मिलोगे तो आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे। तो ठीक है अभी मैं चलता हूँ, हरट पॉइंट के इधर जाएंगे वो वाटरफॉल देखने, तो यहाँ से है तो चलो चलते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग फाइनली हरट पॉइंट के इधर पहुंचे, और उसके जिस बाजू में ही गाइस आपको वो ये है ना, आपको सामने जो पहाड़ दिख रहा है ये और कोई नहीं बल्कि ये अपना पेपफोर्ड है। ये देख रहे हो आपकी व्हाइट कलर का मंदिर गाइस, ये पेपफोर्ड है, और ये आप जो नज़ारे देख रहे हो ये है ना एक्चुअली गाइस ये पूरा पनवेल रीजन है। यस गाइस आधा माथेरान पनवेल से भी शेयर होता है। और यहाँ पे गाइस अभी जो स्मॉल विलेज देख रहे हो, ये स्मॉल विलेज का नाम दूरदनी विलेज है, और यहाँ पे ऐसा खूबसूरत वेदर चल रहा था ना गाइस, और मैं शांति से नज़ारे को एंजॉय करते हुए, और अचानक से ना गाइस हवा चल दिया और मेरा ये फ़ोन ही गिर गया गाइस ठंड करके। एक्चुअली अभी आप सोचते रहोगे कि नीलेश भाऊ अभी आप किधर आ गए हो। एक्चुअली गाइस जैसे आप हरट पॉइंट आते हो ना, तो उसके जस्ट बाजू में ही आपको रास्ता दिखता है वो वाटरफॉल जाने के लिए, तो आपको सेम रास्ते को फॉलो करना है, और फॉलो करते करते ना गाइस आपको ऐसा ओपन स्पेस आएगा गाइस। यस गाइस ये बहुत ही खुला स्पेस है, और अचानक से बारिश आ गई गाइस, और मैं बारिश से बचने के लिए ना वो सामने वाले पेड़ में जा रहने वाला था, बट बारिश है उसको कोई नहीं रोक सकता। और जैसे बारिश के मैं थोड़ा उधर साइड में देखा ना तो मुझे वाटरफॉल दिखा,
बर्ड गाइस जो फॉक्स से घेरा हुआ था ना, मैं बोला मुझे वाटरफॉल देख के जाना है, कुछ भी हो जाए, पर बारिश रुकनी नहीं थी। बट फिर मैंने ना वहां पे खड़े खड़े एक मैजिकल मंत्र बोला गाइस, तो बस ये शका लका बुम बुम मैंने जो मंत्र बोला ना, उसके बाद गाइस आसमान फट गए, नीला आसमान मुझे दिखा, यानी समझ जाओ। और गाइस फिर नेचर ने मेरी बात सुन ली, ये देखो पूरा फॉग हट गया था, एकदम क्लियर एक्सपेक्टिकल वाटरफॉल, थैंक यू मंत्र शका लका बुम बुम। तो गाइस भगवान ने मेरी बात सुन ली, नेचर ने भी मुझे मेरी बात सुन ली, और ये देखो धूप आड़े धूप आ गया। और ये रहा, मैं वो बोल रहा था ना वाटरफॉल का, मैं वेट कर रहा था जू, ये रहा वो खूबसूरत वाटरफॉल गाइस, कितना क्लियर और खूबसूरत दिख रहा है ना गाइस, वाह व्हाट अ वंडरफुल वाटर गाइस। गाइस पैसा वसूल है यार, यार ये इतनी खुशी हैप्पीनेस है ना, आप पैसे भी से भी नहीं खरीद सकते, मैं रिलैक्स, वाह पहली बार माथेरान आया टॉप पे और इतना वंडरफुल ये है। और सबसे पहले थैंक यू, अगर आप अच्छा काम करते हो तो भगवान भी आपका साथ जरूर कर साथ देता है, हमेशा याद रखो भगवान और नेचर हमेशा अच्छे लोगों का साथ देता है गाइस। गाइस तो चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इसका सिनेमैटिक शॉट, यो ना तो वापस से दूर फॉग आ जाएगा, तो चलो जैसे मैं वाटरफॉल के पास में गया ना गाइस, इतना खूबसूरत वाटरफॉल। और गाइस कहते हैं कि अगर आप कोई भी ऐसा खूबसूरत नज़ारा दिखते हैं ना, अगर आपको कोई विश या कोई आपसे इच्छा ऐसा मांगते हो ना, तो पूरी हो जाती है गाइस। एक बार आप ये ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसके लिए बोलता हूँ गाइस ट्रैवल करो, खुद को जानो, सुकून है गाइस ट्रैवलिंग, और वो भी ऐसे खूबसूरत वेदर में। और थोड़ा मैं वाटरफॉल के जिस पास में गया ना, तो गाइस ये पूरा कोहरा ही आ गया, वो वाटरफॉल दिख ही नहीं रहता वहाँ से, इसलिए फिर मैं थोड़ा वहाँ से डिसीजन लेके मैं थोड़ा वापस से पीछे बाजू आ गया। मैं बोला चलो थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते फॉग का जाने का, और ऐसा ही हुआ गाइस, थोड़ी देर इंतज़ार किया और हल्का हल्का है ना गाइस ये कोहरा गायब हो गया, और मुझे क्लियर वाटरफॉल फिर से एक बार देखने का मौका मिला गाइस। तो गाइस मैं वो पॉइंट से बाहर आ गया, बहुत बारिश गिर रही थी, देखो मैं भीग गया हूँ, इसके लिए मैंने अपना कैमरा अंदर रख दिया था और रेनकोट पहना था। तो अभी मैं आपको मैं करंट कहाँ पे अभी मैं बता रहा, अभी मैंने एक्सप्लोर किया वाटरफॉल माथेरान में, अब मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ पैप फॉल। यस गाइस पैप फॉल में ये मानसून में कभी गया नहीं, और ये बहुत ही फेमस ट्रैक है ये माथेरान ये रेंज में। अब देखो धूप लगा है आया है, तो यहाँ पे कोहरा बारिश धूप है, तो ठीक है अभी मैं ये देखो ये मेन माथेरान का रेलवे स्टेशन है, यहाँ से ही अभी मुझे यहाँ पे जाना है, डाउन ट्रैक करना है, डाउन ट्रैक 3 किलोमीटर्स का डाउन ट्रैक है। ओके तो वहाँ पे ही आपको समझ 3 किलोमीटर्स का हो जाएगा, और अभी बज रहे हैं 12, तो मेरे पास है टाइम है, मेरा एक्चुअली यहाँ पे 5 बजे यहाँ से निकलने का प्लान है घर से, तो ठीक है मेरे पास टाइम है, तो बट मैं अभी पैप फॉर्ट एक्सप्लोर करूँगा। तो ठीक है गाइस, अब मैंने खाना पीना तो मेरे बैग में है, तो उसका कोई टेंशन, अंदर अंदर के पॉइंट्स एक्सप्लोर करने हैं माथेरान में, तो टिफिन वगैरह कैरी कीजिए आपका,
क्योंकि आप ऐसे मेन टाउन मेन आओगे ना माथेरान की, जैसे जहाँ पे क्राउड रहते लोग रहते, वहाँ पे आपको होटल स्नैक्स वगैरह के काउंटर्स रहेंगे, बट आप ऐसे अंदर अंदर जंगलों में पॉइंट्स में जाओगे तो उधर नहीं रहते, याद रखो। तो ठीक है चलो, मेरा लंच और वाटर बॉटल सब है, तो चलो गाइस चलते हैं। यो आज 9 सितंबर है, कल 10 सितंबर है, गणपति बप्पा आने वाले हैं मुंबई में आगमन, तो चलो चलते हैं। ओ सॉरी, मैं आपको बताने भूल गया कि मैं अभी किधर आ गया। एक्चुअली 15 मिनट ट्रैक करने के बाद है ना कंटिन्यू, मैं ये खड़ा वर्षा गणपति ये व्यूइंग पॉइंट में मैं आया हुआ है। सर ये खूबसूरत बादलों के नज़ारे दिख रहे थे ना गाइस, और ये गणपति बहुत ही खूबसूरत था। देखिए ना गाइस कैसे बिल्ड किया रहेगा, इतने पहाड़ों के बीच में ये गणपति है ना। और उस सेम फिर मैं कंटिन्यू ट्रैक को फॉलो करा था, सेम रेल को फॉलो करते करते है ना गाइस, मैं है ना पेपफोर्ड की तरफ बढ़ा गाइस विदाउट एनी नॉन स्टॉप। और ये जो पहाड़ देख रहे हो सामने वाला, ये एकदम ये देखो जूम करके, मुझे वहाँ पे जाना था, वहाँ पे है पेपफोर्ड। और पेपफोर्ड जाते जाते ही मुझे पेपफोर्ड का एंट्री गेट दिखता है गाइस, ये एंट्री का कुछ उसका गेट है गाइस, तो वहाँ पे भी मैंने बेल बजाया गाइस। फिर यहाँ से पेपफोर्ड के लिए डाउन ट्रैक स्टार्ट होता है, यानी यहाँ से ऐसा प्रॉपर ट्रेल जाता है पेपफोर्ड के लिए, ये ऐसे नीचे ट्रेल जाता है पेपफोर्ड का। और ये खूबसूरत बादल है गाइस, और अब ये जो सामने जो मंदिर आपको दिख रहा है छोटा सा, यही मेरा पेपफोर्ड है गाइस। और यहाँ से आपको ऐसा मार्क भी दिखेगा पेपफोर्ड और खड़ा वर्षा गणपति का, बट वो बोलते हैं ना गाइस वेदर ऐसा तूफानी वेदर यहाँ पे आ गया था ना गाइस, मेरा मतलब कैसा था मन था जाने का, बट ये नेचर देखिए गाइस, मेरा पैर है ना गाइस, मतलब मेरे को था मन पर मेरे को ना ऑटोमेटिक मेरा पैर है ना वहाँ पे ताकत ही नहीं आ रहा था गाइस, मतलब बोलते हैं ना पैर में जान ही नहीं आ रही, बोलते ना थक गया था गाइस मैं पूरा, फिर भी मैं कैसे कहते बोलते हैं ना कदम छोटे छोटे कदम करके आगे बढ़ रहा था गाइस ये जंगलों के घने जंगलों के बीच में से, पर मैं थक गया हूँ वैसे और नहीं जा सकता, पर पैर बहुत दुख रहे हैं, मैं घर जा रहा हूँ बस बस गई। हाँ क्या खूबसूरत कोहरा। ठीक है गाइस मैं ऊपर से पेपफोर्ड तो नहीं बचा, बट मेरे को बहुत ही इच्छा था कि एक बार पेपफोर्ड जाना था, बट मैं बहुत थक गया हूँ मैं पेपफोर्ड नहीं जा रहा पा रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता रहे पेपफोर्ड जाने के लिए, बट मैं बहुत थक गया हूँ। और नेचर देखिएगा इस कितना खूबसूरत है ना। बस मैं सोचा यहाँ से अभी रिटर्न चला जाओ घर चला जाओ, बट मैं सोचा जाते जाते एक बार यहाँ पे घंटी ज़रूर बजा के जाओ, और बस बजाया घंटी बजाया फिर मैंने यहाँ पे। और जाते जाते ये नेचर का अद्भुत करिश्मा खूबसूरत नज़ारे भी देखने मिला गाइस, बट क्या करेगा इस एक ना एक दिन वो किसी ना किसी इंसान को जाने ही रहता है। सो फिर मेरा डिसीजन लेके मैं जा रहा था यहाँ से गाइस। और हाँ गाइस लाइफ में आपको जो करना पसंद है वो एक बार ज़रूर कीजिए गाइस। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो बाय गाइस। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ से बाहर आ गया, और अब मैं रोड पे आ गया हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ किसी का जो मुझे छोड़ दे। स्टेशन ला चल ले, मैं एक आओ मैं स्टेशन ला आए थे। हाँ ठीक है सर।
ठीक है चल। ओके।